जी आ चुकी है हमारे साथ, अब आगे बढ़ते हुए हरा समंदर गोपी चंदर, शानदार नजारा। काश यहाँ कोई अच्छा सा बीच होता, यहाँ पे कोई बीच वगैरह डेवलप करना चाहिए, पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट चीज़ों को जो है काफ़ी नेचुरल ही रखती है, फ्लोरा फौना को नेचुरल जितना रखें कुदरत को अपना काम करने दें, कुछ ऐसा सा तरीका ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, मेरे हिसाब से वो भी ठीक है। कुछ छोटे मोटे जगह हैं जहाँ पे बीच वगैरह बना रखे हैं, देखा जाए तो ये बीच तैयार होने लग रहा है नेचुरल, आने वाले कुछ हज़ार सालों बाद ये पत्थर तराशे जाएंगे पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, और रेत बनेगा, कुछ उड़ेगा, हो सकता है ये लंबा बीच बन जाए। काफ़ी रिच एरिया है, जो पैशनेट हैं नेचर और उसकी डिस्कवरी, जियोलॉजिस्ट टाइप उन लोगों के लिए जिनको फॉसिल ढूंढने हैं, काफ़ी रिच एरिया। तो नीचे पैरों के भी निशान हैं, लोग गए हुए हैं कूद का दिए, छोटा सा बीच, एक बीच की मैंने डिमांड करी थी और तुरंत हाजिर, एक छोटा सा शायद कुछ और डिमांड करता तो वो भी मिल जाता, बट चलो ये भी अच्छा है, आने वाली जो जनरेशन है वो लाभ उठाएंगी इनका। और दैट्स इट, अभी तक तो यही लगता है। जूली जी फिर बिजी हो गई है फोटोग्राफी में, हमें फिर वेट करना पड़ेगा। तो कैसा चल रहा है हमारा रोड ट्रिप, कमेंट में लिखें और बताएं। अपलोड कब करूंगा इसको पता नहीं, और जैसे ही टाइम लगेगा मैं अपलोड कर दूंगा। हालांकि मेरे को कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आती, ना मैंने कहीं से सीखी, कोई अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर होगा आसान सा, भाई वीडियो डालो थोड़ी कतरो, जहाँ पे ज़्यादा नॉइस है थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक डालो, थोड़े इंग्लिश में कमेंट लिख दो और आपकी वीडियो तैयार। कोई ऐसा सा चलता फिरता सा सॉफ्टवेयर हो तो मैं ट्राई करूँगा, वही गूगल सर्च करेंगे, कोई हल्का फुल्का सा सस्ता पस्ता सा सॉफ्टवेयर मिल जाए एडिटिंग का वीडियो, कोई आपको पता हो तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। पर तब तक तो वीडियो भी चल चुकी होगी, बट अगली वीडियोस के लिए अगर आप कोई अच्छा रेकमेंड करेंगे सॉफ्टवेयर तो मैं वो ज़रूर यूज़ करूँगा। तो आगे का हमारा प्लान आज का, अभी तक तो कुछ नहीं है शाम होने तक बस एक टेंट की साइट मिल जाए, बीच में जो भी आता जाएगा देखते जाएंगे। और हम बढ़ रहे हैं मेलबर्न से एडिलेड की तरफ, समुंदर के किनारे किनारे, आप गूगल के मैप पे देख सकते हैं। तो रास्ते में जो जो चीज़ें आती जा रही हैं मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, कोई अट्रैक्शन आ रहा है तो वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई अट्रैक्शन है जो छूटते जा रहे हैं, क्योंकि सारे अट्रैक्शन कवर होने भी बहुत मुश्किल है, हर एक बीच पे हर एक जगह जाना भी बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, 20-25 साल लग जाएंगे यार हर एक जगह जाएँ। बड़ा मन है मेरा एक रोड ट्रिप इंडिया की भी करूँ मैं, बट इंडिया की रोड कंडीशंस, मैंने कभी इंडिया में गाड़ी चलाई नहीं, यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ मैं जब से आया हूँ 2004 से, यहाँ पे कोई डर नहीं लगता, इंडिया में बड़ा डर लगता है मेरे को गाड़ी में बैठते हुए भी, कोई छोटी सी एक शहर से दूसरी जगह जाना हो तो बड़ा अनईजी फील करता हूँ मैं। पहले इंडिया था जब नहीं करता था, यहाँ पे आके जो सेफ्टी से जब गाड़ी खुद चलाने लगे और फिर वहाँ पे गए इंडिया, देखा कि भाई गाड़ी का कोई ऐसा नियम है नहीं, लोगों ने अपने अपने नियम बना रखे हैं, जिसको जो सूट कर रहा है वही कर रहा है, और एक्सीडेंट्स के रेट बहुत ज़्यादा आई हैं, रोड्स की कंडीशन बहुत बेकार है, तो कोई अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो कोई रेस्क्यू प्लान भी नहीं है, जो सबसे माड़ी बात है वो यही है
कि कम से कम एक हाईवे पेट्रोल पुलिस का और एक हाईवे एम्बुलेंस 24 घंटे तैयार रहनी चाहिए, या कोई छोटा मोटा हेलीकॉप्टर एयर लिफ्ट करना हो तो। ऑस्ट्रेलिया में तो है ये सब, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, तो बड़ी घबराहट रहती है कि अगर कुछ हो भी जाए तो रोड ट्रिप करते हुए, या तो कोई सहायता भी नहीं है। हाँ, लोग बहुत अच्छे हैं अपने इंडिया के, वही एम्बुलेंस हैं, वही पुलिस हैं बेचारे, जिसका जितना बन पड़ता है बहुत सहायता करते हैं। कोई एक्सीडेंट में खून में लथपथ पड़ा है, कई बड़े मजबूत दिल वाले लोग होते हैं, गाड़ी से बाहर निकालते हैं, कोई ज़िंदा हो तो, बचा हुआ हो तो, चाहे खून से लथपथ हो। आम आदमी तो ये चीज़ें देख भी नहीं पाता, तो कई मजबूत दिल वाले हैं वो बाहर निकालते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, जान बचाते हैं। ऐसे लोगों को मेरा सलूट है और बहुत आभार। अपना दिल मजबूत रखिए, लोगों की सहायता करते रहिए, और यही एक अच्छा जीवन है। यही मेरा मानना है, जीवन जीने का अच्छा तरीका तो यही है। तो वापस आते हैं इंडिया की रोड ट्रिप पे। मेरा बड़ा मन है कि इंडिया की रोड ट्रिप करूं। अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसा प्लान है नहीं, कभी एग्जीक्यूट होगा तो फिर वीडियो बनाएंगे, फिर आपके साथ होंगे। क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स है, बहुत रिच है कल्चर में, बहुत ज़्यादा रिच है हिस्ट्री में, कमाल की हिस्ट्री अपने इंडिया की। तो बड़ा दिल है, जब इंडिया में थे जब ये चीज़ें महसूस नहीं होती थी कि इंडिया को घूमना चाहिए। अब इंडिया से बाहर आ गए तो वापस मुड़ के जब देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ, हमारा खाना पीना पहनावा, बोलियाँ भाषाएँ, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स या ज्योग्राफिकल कंडीशंस कितनी ज़्यादा डाइवर्स हैं। पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, समुंदर है, बर्फ़ है, धूप है, गर्मी है, मतलब आप नाम लो, बारिश है, आप एक चीज़ का नाम लो जो इंडिया में ना हो। और कितनी ड्रेसेस हैं स्टेट्स की, अलग अलग जातियों की, समुदायों की, उनकी भाषाएं, उनके अलग अलग खान पान। जैसे जैसे अभी मॉडर्नाइजेशन होती जा रही है, इंडिया एक जैसा सा होता जा रहा है, वो अपने आप में अच्छा भी है और उसका कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो काफ़ी बोलियां हैं इंडिया में लुप्त होती जा रही हैं, कुछ प्रयास करना चाहिए उन्हें बचाने के लिए। लगता है जूली जी काफ़ी टाइम लगाएंगी और मेरे को यहाँ पे खड़ा हो के कुछ बोलना पड़ेगा। और ये बादल आ चुके हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, चाइना के माल की तरह बारिश कभी भी बरस जाए, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक, ठीक है। तो चाइना के माल का, यहाँ की बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अगला जैसे गाड़ी में बैठ के अगला प्लान बनता है हम कहाँ जाएंगे, आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा, फिर जुड़ूंगा। और तब तक के लिए ओके, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। हमारा आगे का प्रोग्राम बना है, एक जगह है द बिग लॉबस्टर। तो जो लॉबस्टर होता है उसका एक बड़ा सा स्टैचू बनाया गया है सड़क के किनारे। हमें एडिलेड जाना है, एडिलेड के रास्ते में वो एक अच्छा स्टॉप ओवर रहेगा, एक अलग सी चीज़ है देखने को। एक गूगल में लिखा हुआ है कि वो एक अट्रैक्शन है, तो चलो चल के देखते हैं कि अट्रैक्शन है या क्या चीज़ है। जूली जी की वेट हो रही है, वो पीछे हमारी जो पोर्टेबल किचन है पीछे डिक्की में, वहाँ पर वो कुछ फ्रूट्स वगैरह हमने रख रखे थे वो लेने गई थी। तो ये लो जी, फ्रूट्स आ गए, अंगूर आ गए, हमारे फेवरेट दोनों के अंगूर खाए जाएंगे अब रास्ते में चलते 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 चलते। तो चलते हैं चलते चलते कुछ हो जाए, चलते चलते कुछ मीठा हो जाए। चलो ये भी बात ठीक है। तो गाड़ी को घुमाया जाए, पीछे वाला भी गाड़ी घुमा रहा है, ये देखिए वो घुमा चुका है गाड़ी। तो अब हम गाड़ी घुमा लेते हैं और कार वहाँ आगे बढ़ाते हैं। आज का इतने लोग आ रहे हैं, एक स्पॉट हुआ
रॉब का ये पॉइंट मेरे को बहुत शानदार लगा। काफी घुमंतु जीव यहाँ पे अपने ट्रेलर के साथ। अभी हल्की बूंदाबांदी भी हो गई थी रस्ते में जब हम गाड़ी की तरफ आ रहे थे। तो और ये यहाँ पे नया घर बन रहा है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ हम जा रहे हैं अभी बड़े लॉबस्टर के पास। 600 meters, turn left onto Beckler Street. ये जेटी हमारे तो जेटी बोल देते हैं। खैर जेटी है भी एक इंग्लिश का ही वर्ड। रिटायरमेंट विलेज के हिसाब से काफी अच्छी जगह है, लेकिन बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। एक्टिविटीज वगैरह, स्टेडियम वगैरह, स्कूल भी नहीं दिखाया अभी तक। तो एक रिटायरमेंट विलेज लग रहा है मेरे को, जहाँ पे लोग रिटायरमेंट होने के बाद बाकी रिटायरमेंट लाइफ है वो अच्छी खुशी यहीं बिताते हैं। GPS जी को चुप करा दिया गया है मेरी घरवाले की तरफ से। उसको पसंद नहीं कोई ज्यादा बोले उसके सामने। सेंड एम्बुलेंस सर्विस है यहाँ पे। अच्छा ये स्केटिंग पार्क है बच्चों के लिए, इसका मतलब यहाँ पे टीनेज भी हैं बच्चे। और ये जैसे मैं स्टेडियम की बात कर रहा था, एक फुटी ओवल यहाँ पे खेलने के लिए, और कुछ गोल्फ कोर्स का क्लब वगैरह हैं यहाँ पे। मेरे को सबसे बोरिंग गेम जो धरती का लगता है वो है गोल्फ। लोग खेलते हैं बूढ़े बूढ़ों के लिए बनाए शायद ये गेम, और अब पैसा इन्वॉल्व हो गया इस गेम में तो थोड़ा डोर वाला सा गेम बन गया है कि अमीरों का गेम। ये थाना काफी सुंदर थाना है, और इस छोटे से शहर से निकलते हुए यहाँ पे हॉलीडे हाउसेस बहुत हैं और बहुत घुमंतु जीव यहाँ पे आए हुए हैं। घुमंतु जीव का मतलब, कहने का मतलब है मेरा घूमने के लिए ट्रेवलर्स, घूमने वाले लोग। ये मेरा अपना इजाद किया हुआ वर्ड है घुमंतु जीव। मेरे को अच्छा लगता है ये बोलना। तो ये छोटी सी मार्केट रोब की, उसमें से निकलेंगे हम। दुकानें हैं, पेट्रोल पंप है, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं। पेट्रोल पंप के ऊपर यहाँ पे खुद को ही पेट्रोल भरना पड़ता है। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप के ऊपर ये सीन है कि आप पेट्रोल पंप पे जाओ, और इंडिया में तो हमें खड़े मिलते हैं, बैग टांगे नमस्ते बोलते हैं, फिर पूछते हैं कितने का पेट्रोल डालें, पेट्रोल डालते हैं, पैसे लेते हैं, हम गाड़ी से भी नहीं उतरते। यहाँ तो आपको पेट्रोल खुद ही भरना है, आप उतरो गाड़ी से, उसको नोजल को उठाओ, पेट्रोल भरो, और पेट्रोल भरने के बाद फिर आप स्टेशन के अंदर जाओ, जो छोटी सी दुकान है वहाँ पे करके उन्हें बताओ कि भाई हमने इस नंबर से पेट्रोल भरा है, तो वो उतने पैसे आपको बता देगा, आप वो दे दो और रसीद लेके आ जाओ। कल हमने जिस जगह पेट्रोल भरवाया वहाँ पे ऐसा था कि आप जहाँ पेट्रोल भरने के स्टेशन है उनके साथ ही एक पेइंग स्टेशन बना हुआ है, आप पे करो, और अपना टच स्क्रीन था, अपना जो पेट्रोल स्टेशन का नंबर है वो नंबर डाल दो, और वो फिर जाके पेट्रोल भरो और क्रेडिट कार्ड लगाओ, और वो पेट्रोल के पैसे कटते हैं।
ये वो कलवाली लेक जिसके किनारे हमने कैंपिंग करी, अलविदा लेक। सी यू नेक्स्ट टाइम, मौका मिला तो जरूर, शायद बच्चों के साथ या रिटायरमेंट के साथ। अभी तक हम दोनों ही हैं, जल्दी फैमिली बढ़ाई जाएगी। ट्रेन आउटलेट पार किया और रोड से बाहर निकल गए। चलो ठीक है दोस्तों, फिर जैसे ही पहुंचते हैं अपना बिग लॉबस्टर के पास, आपको फिर दिखाएंगे, कैमरे को ऑन करेंगे।